दोस्तों नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि समान काम समान वेतन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। इससे जुड़ी एक अपडेट आई है कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्टरूम नंबर 11 में आइटम नंबर 1 पर समान काम समान वेतन को लेकर के सुनवाई होने जा रही है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश अध्यक्ष पूरन जी की तरफ से शिक्षक दिवस की बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को शुभकामनाएं तथा हम बिहार के नियोजित शिक्षक अपने अपने मान सम्मान और संवैधानिक अधिकार समान काम समान वेतन पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष अंतिम दौर में चल रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जीत बिहार के नियोजित शिक्षकों की होगी और हमें समान काम समान वेतन का जो संवैधानिक अधिकार है वो प्राप्त होगा। साथ ही बिहार सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण नीति के खिलाफ तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक साथी आज उपवास रखने का भी संकल्प किए हैं। आप लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज का दिन कोर्ट रूम में हमें बिहार के नियोजित शिक्षकों का दिन साबित हो और माननीय जज महोदय का सकारात्मक रूप के साथ हम बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में भी फैसला सुनाए। तो आज समान काम समान वेतन को लेकर के कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई 11:30 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हो सकती है। समान काम समान वेतन को लेकर बिहार के 3,65,000 नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना तय है। इसके लिए आप तमाम नियोजित शिक्षक भी आज उपवास रखे हैं। आज ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज फाइनल फैसला हो जाए और वो फैसला बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हो। तो दोस्तों इस अपडेट में